मेरठ थाना गंगानगर क्षेत्र में एक अधिवक्ता ने 3 दिन पहले ही आत्महत्या, जिसमें अधिवक्ता ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट छोड़ा है और विधायक दिनेश खड्डीक हस्तिनापुर पर अपनी मौत का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार मृतक की मौत के बाद और सुसाइड नोट मिलने के बाद वकीलों में आक्रोश पैदा है। विधायक के खिलाफ वकीलों की मांग है कि एक विधायक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई करें। पुलिस मृतक वकील ओंकार सिंह में सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे बेटे का विवाद उसके ससुराल पक्ष में चल रहा है। उसी विवाद में विधायक दिनेश खड्डीक ने 1.5 लाख रुपए मांगे हैं और मुझ पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजने की धमकी दी है, जिससे मैं परेशान हूं। मेरी नौबत का जिम्मेदार सिर्फ दिनेश खटिक है। सुसाइड नोट मिलने के बाद से ही तमाम वकीलों में आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर रोजाना धरना प्रदर्शन वकील कर रहे हैं। ये जो गंगानगर में एक सुसाइड हुआ है, उसी के परिप्रेक्ष्य में अधिवक्तागण लोगों की के लोग कुछ लोग मेंबर लोग मिलने के लिए आए थे। इन लोगों से भी वार्ता हुई है और वार्ता के क्रम में जो भी इन लोगों की डिमांड है उसके अनुसार साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे सर? जो फिलहाल ये उसी केस से जो रिलेटेड अभियुक्त हैं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और उनके मांग को दृष्टिगत रखते हुए साक्ष्यों के आधार पर बहुत जल्दी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो सर मौत हुई है सर, जी कितने लोग इसमें? लगभग 13-14 लोग नेम्ड हैं और उन सभी के विरुद्ध जो जो भी साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई होती है वो शुरू कर दी गई है। इसमें कई लोग हैं आरोपी, ससुराल पक्ष के हैं, उसके बाद कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं और इन सभी के विरुद्ध जो भी हैं साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। एक सुसाइड नोट की बात आ रही है, सुसाइड नोट बरामद किया गया है, सील किया गया है और बाकी जो भी बयान, सीसीटीवी फुटेजेस, सीडीआर एनालिसिस, वो सारे के सारे साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखा गया है? कुछ लोगों के नाम लिखे गए हैं और उसी पे उसी क्रम में जांच वगैरह चल रही है। जो नाम आ रहे हैं उससे संबंधित और भी साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है लगातार। नहीं, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। यही किया, यही कहा गया है कि साक्ष्यों के आधार पर बहुत जल्दी अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 24 घंटे का समय दिया है सर। हाँ, कहा गया है साक्ष्यों के आधार पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी अभियुक्तों की। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन।